The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन एंड वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं इंडिया के अंदर। दो वैक्सीन अवेलेबल है, एक है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो सवाल पैदा होता है कि ये दोनों वैक्सीन में से कौन सी लगाएं, कौन सी वैक्सीन बेटर है, कौन सी क्या है, किसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने भी वैक्सीनेशन ले चुका हूं और कोविशील्ड वैक्सीन ली है, जो वीडियो हमने डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा कि कैसे लगी वैक्सीन, क्या हुआ था, तो वीडियो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको दोनों ही वैक्सीन के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो सबसे पहले डिटेल समझते हैं, वैक्सीन है क्या, ये वाली किस कहाँ से आई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्टिवनेस क्या है, और इसके बारे में अभी हम क्या नहीं जानते। सो कोविशील्ड जो है, ये एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, ये एस्ट्राजेनिका कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ है, इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से। और ये किस प्रकार की वैक्सीन है कि एक मोनोवेलेंट सिंगल रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, जो चिंपैंजीज के एडिनो वायरस वैक्टर को लेके कोरोना वायरस के सरफेस के ऊपर एस ग्लाइकोप्रोटीन नामक एक जो सरफेस प्रोटीन होता है, जिससे कि कोरोना वायरस जाके अटैच होता है आपके शरीर के अंदर घुसने के लिए, वो सरफेस प्रोटीन ये वेक्टर बनाता है, वैक्सीन बनाता है। अभी जो मेन चीज आपको समझनी है कि कोरोना वायरस के जो मॉलिक्यूल, जो वायरस होता है, वायरस के ऊपर का एक छोटा सा एस प्रोटीन ये बनाता है। ये वैक्सीन जो है आपके शरीर में, वो छोटा सा लोकल एक्सप्रेशन करता है एस ग्लाइकोप्रोटीन का, जो कि आपके शरीर को लगता है कि कोरोना वायरस आ गया, क्योंकि वो कोरोना वायरस, अगर वही एस ग्लाइकोप्रोटीन बाद में कोई कोरोना वायरस आएगा तो आपके शरीर के अंदर उस एस ग्लाइकोप्रोटीन की मेमोरी होगी, उसके लिए इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज होगा। तो क्या होता है, ये एस ग्लाइकोप्रोटीन आपके शरीर में जाके इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब, आपके शरीर में आपके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो इस एस ग्लाइकोप्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेते हैं। इस रिएक्शन के दौरान आपको साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और इस साइड इफेक्ट्स में ये देखा गया है कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वेरी कॉमनली आपको नौजिया, हेडेक, किसी को आर्थ्रालजिया, बॉडी पेन, इंजेक्शन साइट में रिएक्शन होना, मसल्स में पेन होना, ये पॉसिबल है। ये क्यों होता है, बिकॉज एक नंबर एक, आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है। अगर आपको कभी कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो पहली बार ये एस ग्लाइकोप्रोटीन इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगा, अपने खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनाएगा, नॉट ऑटो एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। और अगर पहले आपको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, आपके अंदर ऑलरेडी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो ये एस ग्लाइकोप्रोटीन जब अंदर जाएगा, जब ये कोविशील्ड अंदर जाएगी, तो आपकी बॉडी को लगेगा वापस कोरोना वायरस आ गया, तो वो और ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा और आपको फिर एक इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। सो इम्यून रिस्पॉन्स विल बी क्विकर एंड लिटल मोर टू जो लोग पहले से जिनको कोविड हो चुका है और एक वैक्सीन लेते हैं, राइट? क्योंकि ये सिर्फ एक वायरस नहीं है जो आपके अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा, डैमेज करेगा, सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, नहीं, ये एक सिंपल एस ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आपको डैमेज नहीं करेगा, आपका इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगा माइनर लेवल पे, इसी के लिए आपको माइनर सिम्टम्स आ सकते हैं, वेरी कॉमन साइड, और इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू जैसे सिम्टम्स भी आपको हल्के फुल्के आने के चांसेस होते हैं। ये किसको दिया जाता है, ये 18 साल के ऊपर की एज को दे सकते हैं। दो डोसेस होते हैं कोविशील्ड के, एक है आपका 0.5 ml आपको लगता है आपके डेल्टॉइड मसल, इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड रीजन पे, और ये आपको 4 हफ्ते के बाद फिर से लगेगा, और इसका जो परसेंटेज लेवल देखा जाता है, ओवरऑल 70% ओवरऑल चांसेस हैं
आपके कि आपको एंटीबॉडीज उसके बाद डेवलप हो जाएंगी। तो 70% दो डोज के बाद आपकी फुल डोजेस और उसके बाद 90% चांसेस हैं उसकी एफिकेसी कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स अच्छे मात्रा में बन जाएंगे। ये नहीं पता है कि ये कब तक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कब तक देंगे। याद रखिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडीज होते हैं, नॉट इम्यूनोग्लोबुलिन्स बाय मिस्टेक, जो एंटीबॉडीज होते हैं उसके काउंट कम होने लग जाते हैं, बिकॉज वो मेमोरी कम होती रहती है। क्योंकि बार बार अगर कोविड आता रहेगा तब वो होता है कि हाँ भाई और एंटीबॉडी बनाते रहो। कोविड बार बार आपके शरीर में नहीं जा रहा है तो वो उतनी आपकी एंटीबॉडीज कम होती जाती है। सो दैट्स वाई बूस्टर डोज लगता है 28 दिनों का, आपके 28 4 हफ्ते के बाद। सो दैट इज देयर। हमें ड्यूरेशन नहीं पता ये वैक्सीन कब तक वैलिड है, कितने एक साल में एक बार लगानी पड़ेगी या कैसा होगा, अभी नहीं पता। अभी फिलहाल आई है, अभी लगाना है, आगे का नहीं पता। सो दैट इज देयर। इस वैक्सीन को +2 से +8 डिग्रीज में स्टोर करना होता है, और जब इसको बाहर निकालें ये तो इसको 6 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना होता है। रिस्क मैंने साइड इफेक्ट्स बताए हैं। अगर आपको कभी हाइपर सेंसिटिविटी है, हो चुकी है इस वैक्सीन से, तो आप इस वैक्सीन को ना लगाएं। अगर आपको कोई अभी बीमारी चल रही है, कोई फीवर है, कोई कोविड इन्फेक्शन है, या कोई और बीमारी चल रही है, या आप मान लीजिए आपकी आपका खून ज़्यादा पतला है, कोई कोएगुलेशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या आप इम्यूनोक्रोम्प्रोमाइज्ड है, HIV/AIDS वाले कोई पेशेंट है, तो वो ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कोविशील्ड की बात हो रही है। और साइड इफेक्ट्स मैं बता चुका हूँ, माइनर फ्लू जैसे माइनर बॉडी पे नौजिया हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, इंजेक्शन साइट पे दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वैक्सीन के बारे में समझना है, राइट। दूसरी बात, अगर हम दूसरी वैक्सीन की बात करें जो है हमारी कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन के बारे में एक पॉइंट मैं बता दूं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। अगर मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, दोनों नहीं ले सकते। इनमें एटलीस्ट 14 दिन का गैप होना चाहिए, कि अगर आप कोई चाहे भी कि हमें दोनों लगानी है तो एक के बाद दूसरी 14 दिन का गैप होना चाहिए। और ऐसा नहीं कर सकते, ये कब होगा, दो डोज के बाद, दो डोज एक के ले लिए, फिर 14 दिन वेट किया, फिर दो डोज दूसरे के ले लिए, क्योंकि दोनों वैक्सीन के दो दो डोज है और इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है कि एक बार इसका डोज लिया फिर दूसरी बार 28 दिन के बाद दूसरी का डोज लिया, ऐसा नहीं कर सकते। और दोनों ही वैक्सीन में इंपॉर्टेंट है कि आप 30 मिनट्स का 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन टाइम रखें, यानी कि वैक्सीन लेने के बाद में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो 24-30 मिनट के अंदर अंदर ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए उनको 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन, ये जनरलाइज्ड रूल है, हर वैक्सीन लगाने के बाद रखना चाहिए 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में। तो ये हो गया बातचीत कोविशील्ड की। कोविशील्ड एक अच्छी वैक्सीन है, बिल्कुल लगानी चाहिए, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। सो दैट इज़ देयर। और जो खबरें आ रही हैं कि किसी की कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को डेथ हो गया 2 दिन बाद 4 दिन बाद, वो बिल्कुल अनलाइकली है। कोई मैकेनिज्म नहीं बनता कि कोविशील्ड से वो ऐसे साइड इफेक्ट्स हो। और अगर इस पे ऑलरेडी पोस्टमार्टम और दूसरी चीज़ें चल रही है, अगर कोई बात निकल के आती है तो आपको आगे बताई जाएगी। फिलहाल के लिए बिल्कुल सेफ है, हम खुद लगा चुके हैं तो आप भी बिल्कुल लगा सकते हैं। वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए कोवैक्सीन के बारे में देख वीडियो दूसरा आएगा। सो प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।